today I'm teaching you your first poem from your book, and the name of the poem is Dust of Snow, and the writer of the poem, Robert Frost. Dust of Snow means स्नो पार्टिकल्स, यानी कि बर्फ की छोटे छोटे कणियां, फुहार, ठीक है। यहाँ पर डस्ट का मतलब किसी भी प्रकार के धूल या मिट्टी से नहीं है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। द वे अ क्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मीन्स है अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि हेमलॉक जो एक रसीला पेड़ है जिसमें छोटे वाइट कलर के फूल लगे रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स गिराए, तो यहाँ पर इसके बाद जो भी हुआ, यहाँ पर जो पोइट का जो मूड है वो जो है सैड है। पोइट यहाँ पे बहुत सैड है, अपसेट है, ठीक है ना। और ये हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हेमलॉक, एक है क्रो, और दोनों नेगेटिव चीजें हैं। क्रो ब्लैक है, नेगेटिव है, और हेमलॉक विसौला है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर पोइट का जो मूड है वो अभी तक क्या था, बहुत ही सैड था। लास्ट फोर लाइन्स, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जैसे ही कौवे ने मेरे ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिराए, तो मेरा हृदय का जो मूड था, मेरा हृदय जो है परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। रूट मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, जो मेरा सैड मूड था वो खत्म हो गया, तो इस तरह से जो है जो दिन का बचा हुआ जो भाग था, शेष जो दिन का भाग था, वो मेरा बच गया, क्योंकि बाकी जो भाग था मैंने अभी तक सैड होकर के उसे बर्बाद कर दिया था या उसे वेस्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है पोइट का जो मूड है अब वो हैप्पी है, और वो जो है उसका मूड अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर पोइट इस पोइम को ज़रा हमें बताना चाह रहा है कि लाइफ में हमें जो भी चीज़ मिलती है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई नेगेटिव चीज़ हमें मिलती है, जैसे ऊपर हेमलॉक और क्रो जो है दोनों नेगेटिव चीज़ें थे, तो उससे हमें नेगेटिव ही मिलेगा, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, बल्कि हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिल सकती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइम, ओके। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा इस पोइम के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट फोर लाइन्स में देखिए, क्रॉ स्नो मी ट्री, ये जो है राइमिंग वर्ड्स है। यदि हम इनकी राइम स्कीम बनाएं तो क्रॉ और स्नो को हम ए ए लिखेंगे, ठीक है। क्रॉ ए हो गया, स्नो ए हो गया, मी और ट्री को बी बी लिखेंगे, तो राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए बी। तो फर्स्ट फोर लाइन के राइम स्कीम होगी ए बी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, क्रॉ से स्नो की राइमिंग मिलने तक, हालांकि वो फोर्थ लाइन है, सेकेंड लाइन नहीं है, देखिए बीच में कोई कॉमा या फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इंजैपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस आएगी, कभी पूछा जाएगा इन फोर लाइंस में, तो वो इंजैपमेंट होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, क्रॉस से लेकर के स्नो तक और मी से ट्री तक कोई कॉमा या फिर फुल स्टॉप, नथिंग, कोई भी जो है ऐसा चीज नहीं लगा रखा है, तो इंजैपमेंट होता है, ठीक है। अब इसी फर्स्ट स्टेंजा में सेकेंड लाइन देखिए, सूक डाउन ऑन मी। अब देखो यहाँ पर एक वॉवल है ओ, वो जो है बार बार रिपीट हो रहा है, चार बार जो है वो ओ वॉवल आया है। तो वॉवल बार बार आने पे जो है क्या होता है, एजोनेंस पोइटिक डिवाइस होता है। तो इस लाइन में जो पोइटिक डिवाइस है वो एजोनेंस है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोर लाइन्स की। तो इसमें देखिए ए बी तो हमारा हो चुका है राइम स्कीम, इसमें जो राइमिंग स्कीम है लास्ट में देखिए, हार्ट पार्ट मूड रूट, अब ये जो है राइमिंग कर रहे थर्ड टू सिक्स और फिफ्थ टू थर्ड टू फिफ्थ और थर्ड मूड और रूट, इस तरह से जो राइमिंग कर रहे। तो हम इसमें क्या करेंगे, राइमिंग स्कीम हार्ट को सी लिख देंगे और पार्ट को भी सी लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है, फिर मूड को डी लिखेंगे और रूट को भी डी लिखेंगे क्योंकि दोनों की राइमिंग सेम है। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई इन लास्ट फोर लाइन्स की, सी डी बन गई। अब देखिए इसमें भी जो फिगर ऑफ सॉरी जो इसमें भी जो पोइटिक डिवाइस है इंजैपमेंट है, क्योंकि इसमें भी हार्ट से पार्ट तक और मूड से रूट तक जो है कोई भी बीच में किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया, तो इंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे भी लागू होती है।
अब जहां तक बात है इसमें पोएटिक, एक और पोएटिक डिवाइस की, तो इसमें जो है एलिट्रेशन है। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन, देखिए इसमें जो है फर्स्ट लाइन में एच जो है, एच से दो बार जो है वर्ड शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो और थर्ड लाइन में देखिए एस, एस से दो बार लगातार वर्ड शुरू हुआ है। तो जब किसी लेटर से बार बार जो है उसी लाइन में यदि वर्ड्स शुरू होते हैं तो वहां पर एसोनेंस होता है, ठीक है, सॉरी एसोनेंस कह रहा हूँ, एलिट्रेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि लेटर की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है ना। ऐसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। इसके अलावा लास्ट स्टेंजा जो चार लाइन की स्टेंजा, इसके लास्ट लाइन लिखे ऑफ अ डे आई हैड रूट। इसमें देखिए जो डी लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है। ऊपर वाले में ओ वॉवल था लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो कॉन्सोनेंस होती है, ठीक है। तो नाउ ये सब पूरा हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और जो नए व्यूअर्स हैं, मेरे और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।